हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे हमारे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के ब्लूप्रिंट को। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हिंदी की ब्लूप्रिंट, जो आपकी हिंदी की नई ब्लूप्रिंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, लोगों को ये समझ में नहीं आ रही थी, तो इस वाले वीडियो में आपको अच्छी तरह से हिंदी की ब्लूप्रिंट को एक्सप्लेन करता हूँ और अपना इंग्लिश की, जो हमारा स्पेशल इंग्लिश और सामान्य हिंदी की आपको ब्लूप्रिंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें भी जैसा आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, आपने अगर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में बताया था इन्होंने तीन सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको दी है आपकी ब्लूप्रिंट। तो पहले वाला सेक्शन जो क्रमांक एक में आप देख सकते हैं, इकाई क्रमांक में, तो वहाँ पे आपको देखना है पहले वाले बॉक्स में, ठीक है। तो उसमें जो पार्ट दिए है वो आपको दिए सुर के, बालकृष्ण, शौर्य गाथा, फिर एक और दिया नरसे नारायण। गैस नरसे नारायण में बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि नरसे नारायण आपको जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें भी देखने को मिला था, और यहाँ पर उन्होंने नरसे नारायण ब्लू प्रिंट में दे दिया। तो ये एक गलती दिख रही है मेरे को MP बोर्ड के थ्रू। आई होप कि ये फ्यूचर में इसको रेक्टिफाई ज़रूर करे, जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन निकाल के लाए, क्योंकि नरसे नारायण दोनों जगह पे इन्होंने पुट किया है, तो ये गलती है MP बोर्ड की। उसके अलावा ठेस, लघु कथा है, बल बहादुरी, निबंध साहित्य का इतिहास, समास विग्रह, जो व्याकरण का पोर्शन है इसमें आ रहा है आपको समास विग्रह, समास भेद, संक्षेपण, अनेकार्थी एवं समुच्चारित शब्द। तो इतनी सारी चीज़ें जो अभी मैंने पढ़ी, ये मिलकर बना रही है आपकी 1 नंबर के 10 क्वेश्चन, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन। तो ठीक है, इसमें से निबंध साहित्य का इतिहास है, इसमें से 4 नंबर का 1 और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आना पक्का है। इस तरह से आपके बन रहे हैं 34 नंबर, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड वाले बॉक्स में। तो सेकंड वाले बॉक्स में हम देख सकते हैं जो पार्ट दिए हुए, हिमालय और हम, यशोधरा की व्यथा, बीमार का इलाज, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, मेरे सपनों का भारत, पत्र जो इतिहास बन गए, और व्याकरण में आपको दिया गया है कुछ कुछ व्याकरण भी दिया है, जैसे वाक्य भेद, रूपांतरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इस तरह का व्याकरण दिया है। ये सारी चीज़ें मिलकर बना रही है आपके 1 नंबर के 10 क्वेश्चन, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन। इस तरह से ये अभी जो टॉपिक मैंने पढ़े सेकंड वाले बॉक्स में, ये बना रहे हैं आपके 31 नंबर। तीसरे वाले हम बॉक्स में आ जाए तो तीसरे वाले बॉक्स में हमको देखने मिल जाते हैं पाठ, जो कि है माँ, हम कहाँ जा रहे हैं, दक्षिण भारत की एक झलक, हंसनी की भविष्यवाणी पुस्तक, और चौथा जो देखने मिलते हैं वो मन की एकाग्रता। इसी के साथ साथ आपका व्याकरण आता है, जैसे कि भाव पल्लवन, ठीक है, अपठित गद्यांश और पद्यांश इसी में मिलेंगे आपको, इसी में निबंध लेखन भी आएगा और इसी में पत्र लेखन भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बना रही है आपका 4 नंबर के 4 क्वेश्चन, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन और 1 नंबर के 10 क्वेश्चन। तो 4 नंबर में से 1 निबंध पक्का है, 1 पत्र पक्का है, और इसी 4 नंबर में आपको आ जाएगा अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, जो 4 क्वेश्चन है ये यही व्याकरण का पोर्शन ही कैरी कर रहा है, ठीक है। इस तरह से ये आपका मिलकर बना रहा है 35 नंबर, और इस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर डिज़ाइन किया गया। आपको अब इसमें वर्ड लिमिट बता दूँ, तो जो 3 नंबर के क्वेश्चन है इसमें आपको 75 से 100 के बीच में आपको वर्ड्स के बीच में आंसर लिखना है। उसी के साथ साथ जो आपको 4 नंबर के क्वेश्चन है उसमें 120 से 150 के वर्ड लिमिट के बीच में आंसर को लिखना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी स्पेशल इंग्लिश की ब्लूप्रिंट। तो ये भी पेपर आपका 100 नंबर का होगा, 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा। अब हम इसमें भी पहले वाले सेक्शन की बात करते हैं, इसमें भी 3 सेक्शन में आपको डिवाइड करके दिया है, ठीक है। तो पहले वाले सेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लेसन दिए हैं इन्वोकेशन और डायमंड नेकलेस। इन्वोकेशन और डायमंड नेकलेस की मैंने एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आप नहीं देखी है तो देख लो। हिंदी के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दिए, अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करके ज़रूर से देख लो, क्योंकि मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहा हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो पहले वाले हम यूनिट में देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिट वाइज डिवीज़न है, तो पहले इसमें इन्वोकेशन, डायमंड नेकलेस, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS, और पांचवा आता है और कैजुरीना ट्री, फिर इसके बाद आता है फोन ऑब्जेक्टिव में आता है आपका ग्रामर और फोनोलॉजी, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में आता है पोएम के एक्सट्रैक्ट वगैरह, फिर इसके साथ आ जाता है आपका पैसेज राइटिंग, नोटिस, डायरी एंट्री वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बना रहे हैं आपके 1 नंबर के 10 क्वेश्चन, 3 नंबर के 3 और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन। इसी तरह से आपका 31 नंबर कैरी कर रहे हैं ये पहले यूनिट के टॉपिक। सेकंड वाली यूनिट की हम बात करें, सेकंड वाली यूनिट में आ रहे हैं जो लेसन है वो है द बेगर, आफ्टर एप्पल पिकिंग, माई फादर्स ट्रेवल, यूथ एंड टास्क अहेड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पर्सोनिव, यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस देखने मिल जाएंगे आपको, क्लॉसेज देखने मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव में आपको और भी चीज़ें देखने मिल जाएंगे, सीन एंड अनसीन पैसेज देखने मिल जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग वगैरह वगैरह आपको देखने मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बना रही हैं आपके 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 3 नंबर के 3 और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन। इस तरह से ये जो सेकंड वाला बॉक्स है, ये सेकंड यूनिट आपके 31 नंबर बना रही है। अब आते हैं हम थर्ड वाली यूनिट में। तो थर्ड वाली यूनिट कैरी कर रही रहती है ऑन हिज बींग अराइवल एट एज ऑफ 23, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, टू ऑटम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गीता एंड स्वधर्मा।
ये चैप्टर है आपके। इसके अलावा आपको टेंसेस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह मिला के चैप्टर बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ये सारी आपको चीज़ें मिला के बना रही है, एक नंबर के 10 क्वेश्चन, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन और 4 नंबर के 4 क्वेश्चन। तो इस तरह से 38 नंबर कर कैरी कर रहे हैं ये सारे टॉपिक, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें क्वेश्चन आंसर वगैरह इंक्लूडेड है, इसलिए 38 नंबर कैरी कर रहा है आपका यूनिट नंबर 3। इसमें भी वर्ड लिमिट गाइज वही है, 3 नंबर के लिए आपको 75 से 100 वर्ड्स के बीच में आंसर लिखना है, 4 नंबर के लिए 120 से 150 वर्ड के बीच में आपको आंसर लिखना। तो ये थी आपकी स्पेशल इंग्लिश और हिंदी जनरल की ब्लूप्रिंट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई हो तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जितने ज़्यादा आप दोस्तों को शेयर कर सकते हो प्लीज़ उनको शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।